Explain what is the use of external storage classes. As we know, auto or register variables can be declared only as a local variables. Means auto register variables को only within the block access करना possible. Similarly, static variables within the program access करना possible. Then, what is the use of external storage class? Suppose that we are having two separate files like a.c and b.c. अगर a.c के पास कोई भी type के variables available like a global variables, we want to accessing that global variable inside another file something b.c. Then how to access it by using external storage classes. For examples like that, we are having two source file a.c and another source file as b.c. Suppose that both source files are available inside same folder or same directory. Next one, a.c के केस में कोई variable define किया like some global variable integer x equals to 10 and integer y equals to 20. Means x and y is a member of source file a.c. Next one, something main function void main. We are writing some code inside body of main function. Next one, another source file called as b.c. Inside b.c we are declaring some function called as display. We want to printing or displaying value of x, y inside that display functions. Means display kis file ka member? Display is a member of b.c and x, y is a member of a.c. अगर x, y का वैल्यू डिस्प्ले फंक्शन में एक्सेस करना लाइक दैट वी आर डिस्प्लेइंग प्रिंट एफ एक्स एंड वाई प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ वाई लाइक दैट. करंटली अगर आप b.c को कंपाइल करने के लिए ट्राई करो देन इस केस में रेज किया हो सम कंपाइल टाइम एरर. a.c वैलिड है सभी सेमी से इस केस में किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम रेज होने चांस नहीं. अगर आप b.c को कंपाइल करो मैं ओनली कंपाइलेशन की बात कर रहा हूं ना कि एग्जीक्यूशन. देन रेज किया होगा इस केस में अनडिफाइंड सिंबल x एंड y बिकॉज x y मेंबर किसके x एंड y इज अ मेंबर ऑफ a.c. लेकिन इस केस में एक्सेस किसके अंदर कर रहे हैं इनसाइड b.c. देन हाउ टू एक्सेस इट बाय डिक्लेयरिंग x एंड y एज अ एक्सटर्न वेरिएबल इनसाइड b.c. अगर सेम वेरिएबल्स इसको वैलिड बनाने के लिए यूज क्या करेंगे एक्सटर्न डिक्लेरेशन एक्सटर्न इंट x, y और सेपरेटली भी राइट डाउन करना पॉसिबल है सेपरेट लाइन और एज अ सेपरेट स्टेटमेंट एक्सटर्न इंट y. इन इस केस में b.c को अगर कंपाइल करोगे सक्सेसफुली कंपाइल हुआ विदाउट एनी एरर बिकॉज कंपाइलेशन भी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ declarations. Means x and y को access करने से पहले declaration already available इसलिए case कैसा है valid. लेकिन execution आपको already पता है execution किसका होगा always main function और main किसके अंदर है inside a.c. अगर main function के अंदर में display function call करता हूँ आप already sure display is a member of a.c. display किस file में define inside b.c sorry. लेकिन एक्सेस कहां कर रहा है इसको कॉल कहां कर रहा है इनसाइड ए डॉट सी. करंटली केस कैसा है इनवैलिड. मींस इससे जस्ट पहले आपको राइट डाउन क्या करना पड़ेगा इंक्लूडिंग कंटेंट्स ऑफ द फाइल हैज इंक्लूड देन नेम ऑफ द फाइल. फाइल नेम क्या है बी डॉट सी. इसके बेसिस पर आइडेंटिफाई क्या होगा मींस डिस्प्ले फंक्शन सर्च करूंगा इनसाइड बी डॉट सी. बी डॉट सी के कंटेंट्स इंक्लूड करूंगा इन प्लेस ऑफ दैट मैक्रो. लीव इट फाइनली इस अभी एक्सेस कैसा है वैलिड. मीन्स डिस्प्ले फंक्शन यूज और कॉल कौन कर रहा है इसके इसमें मेन फंक्शन है एक्स वाई डिस्प्ले किसके थ्रू रहा है डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू जबकि एक्स एंड वाई मेंबर किसके हैं ए डॉट सी के. मीन्स इस केस में जब कंपाइलेशन करोगे कंपाइलेशन दोनों ही कोड के रिस्पेक्ट में पहुंचे लेकिन एग्जीक्यूशन किसका होगा बी ए डॉट सी का बिकॉज मैन इज मैन विल बी अवेलेबल इन इन साइड ए डॉट सी. जैसे इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले परफॉर्म क्या होगा मेमोरी एलोकेशन फॉर ग्लोबल वेरिएबल्स. ग्लोबल वेरिएबल्स क्या इसके इसमें एक्स एंड वाई. फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म क्या होगा एलोकेशन ऑफ एक्स एलोकेशन ऑफ वाई इन साइड डेटा एरिया. इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई इज 20. इसके जस्ट बाद थर्ड केस में कॉल क्या होगा मेन. फोर्थ केस में मेन इटसेल्फ किसको कॉल कर रहा है डिस्प्ले. डिस्प्ले फंक्शन सर्च होगा इन साइड बी डॉट सी. बी डॉट सी के अंदर जैसे ही कंट्रोल डिस्प्ले फंक्शन के लिए सेंड होगा एज अ फिफ्थ स्टेटमेंट.
देन सिक्स्थ, सिक्स्थ केस में एग्जीक्यूट किया हो रहा प्रिंट एफ एक्स वाई, एक्स वाई डिस्प्ले होने से जस्ट पहले ऑलरेडी इनका मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज अ मेंबर ऑफ ए डॉट सी। देन एक्स वाई का इनिशियल वैल्यू फाउंड हो रहा है 1020। देन करेंटली इस केस में डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू इंटरनली प्रिंट एफ फंक्शन डिस्प्ले क्या करेगा वैल्यू ऑफ एक्स वाई विच इज 10 एंड 20। सेवेंथ केस, जैसे इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ अगेन कंट्रोल कंस्ट्रेंट को रिटर्न बैक टू कॉल इन प्लेस। एट केस, देन आउटसाइड बॉडी ऑफ मैन मीन्स फाइनल इस केस में डिस्प्ले क्या हुआ 1020। मीन्स इस केस में कम्युनिकेशन कितने भी फाइल्स के बिटवीन हो रहा है, टू फाइल्स ए डॉट सी एंड बी डॉट सी। अगेन बी डॉट सी के अंदर एक्स वाई को ऑनली डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया, लेकिन डेफिनेशन किसके अंदर इन साइड बी डॉट इन साइड ए डॉट सी। ए डॉट सी के मेंबर्स एक्सटर्न डिक्लेरेशन प्रोवाइड करने के बाद डिस्प्ले फंक्शन के अंदर एक्सेस करना पॉसिबल है। दिस इज द मेन प्रॉपर्टी और मेन एडवांटेज ऑफ डिक्लेयरिंग एक्सटर्न वेरिएबल्स।